ब्राइडल लुक आपके लिए कैसा, मतलब आपके लिए लाइफ के लिए कैसा है, कैसे देखते हैं आप उसको? ब्राइडल लुक तो मुझे देखते ही ऐसा लगता है कि 2 घंटे मेकअप करना पड़ता है. सो आई पर्सनली लव लुकिंग एट ब्राइड्स और बहुत अच्छा लगता है, बट अपने बारे में सोच के सकता हूँ माय गॉड इतना मेकअप कौन करेगा और इतना हैवी आउटफिट्स कौन पहनेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर इंडियंस एंड इंडियन गर्ल्स दे लव ब्राइडल आउटफिट एंड इंडियन आउटफिट एंड सो डू आई. सो आपकी मूवी भी आ रही है, उस बारे में बताइए. या देयर इज अ फिल्म ऑफ माइंड कमिंग विद सनी लियोनी, अभी उसका टेंटेटिव नाम कोका कोला है, बट मोस्ट प्रोबेबली दे गोना चेंज द नेम एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट प्रोजेक्ट बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स अ हॉरर कॉमेडी. सो रियली एक्साइटेड फॉर दैट मूवी. सो 2021 से आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? 2020 का तो बहुत खराब रहा है. 2020 ने ये सिखाया है कि कोई एक्सपेक्टेशंस ही मत रखो, बस काम करते जाओ एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली एंड जस्ट आप जो भी हार्डवर्क करोगे ऑफ कोर्स यू विल गेट द यू नो जो भी रिजल्ट होगा वो उसके अकॉर्डिंगली होगा, तो इसलिए ज़्यादा सोच के कोई फायदा नहीं. आई थिंक जस्ट लिव योर लाइफ हैप्पीली एट द एंड ऑफ द डे दैट मैटर्स. सनी लियोनी के साथ आपने जो मूवी बोली, तो मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी है क्या, पेंडिंग है? एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑलरेडी वी हैव शॉट, बस अभी बहुत थोड़ा बहुत बचा है, लाइक हफ्ते भर का वर्क इज लेफ्ट. सो मैम व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम सनी लियोनी? टू बी वेरी फ्रैंक आई लव हर. आई मीन शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड इतना ज़्यादा जिस तरीके से उसका क्रेज है सनी का, इट्स लाइक इट्स क्रेजी कि पीपल आर मैड अबाउट हर, बट स्टिल शी इज़ सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ एंड सो हार्ड वर्किंग दैट इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि इस लेवल पे पहुँच के भी हम्बल रहना इज़ वेरी डिफिकल्ट आई फील. सो देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव लर्न फ्रॉम हर इज़ दैट कि ऑफकोर्स बी हम्बल एंड डू योर हार्ड वर्क. इस साल देख सकते हैं आप दोनों को एक साथ? यस व्हाई नॉट, मोस्ट प्रोबेबली फेब्रुअरी मार्च. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. बड़े हो गए. गुड टू सी यू. गुड टू सी यू. टेल अस हाउ कम यू आर हियर? बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं आप. नहीं मैं अक्सर वो नजर आता हूँ, तकरीबन हर इवेंट पे नजर आता हूँ और जहाँ पे भी कोई अच्छी चीज़ होने वाली होती है तो आई एम ऑलवेज देयर और इट्स वंडरफुल इवेंट और शुरुआत हो रही है यहाँ पे एंड आई वॉज इन्वाइटेड एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर टू अराउंड वंडरफुल पीपल और अच्छा इनिशिएटिव है. So it's always good to be there for the right trip. This is about calendar. How much you had to calendar? I know the very famous calendar from Dabur Ratnani. Yes. How different you find this one? Well, I will have a look and then I can give a feedback about the same for sure. But yes, yahan pe to bada, there are few calendars which are always happy in the news and this Kingfisher ko khair hai. That has been the one. And Dabur Ratnani, yes, of course, he's been around for a long time and let's see. There's always dearth and there's always a scope for many more such events, such products in the market. So let's hope it will set a standard or it will be amongst the top 3, top 5, just like we can say. That's it. How easy or it was difficult to get him on board? It was very difficult to get him on board in terms of finding out first of all that he'll come or no. But it was easy for me just because of Aju and Reena, my colleague and my friends and my family, for which he honored, and I'm very blessed to have him today. My occasion is just becoming bigger and bigger with the right people coming up, and I'm so thankful for you to come over. It's always a pleasure. Apart from this, what happened on the professional front? Apart from this, Lakshmi released recently in the month of November, and I'm shooting for a couple of web series are going on. There's 2020 was bad, so in that, but still we try to make it productive. I was in Kashmir for about 5 months for the first time in my last 25 years. We did shoot about 3 web series. I directed one. I have written and directed the same web series for new OTT platforms. And one of our films was released on MX Player, that is Wishlist, starring Hina Khan and all other. Because we're a group of about 8 producers, you know, independent producers. We're not, like, of course, not as big as YRF and all, but we're trying to make a little difference, trying to contribute in our whatever capacity we can to make some, create an industry out there also. Thank you so much, everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you. I'll see you up, sir. ऐसा करेंगे मैं.
Maybe we'll stand with a gangster. Is there another issue? God, this man. Yes. हाँ और कुछ बचा है बोलने के लिए? ट्रेन में आ रहे हैं ना? यस। सॉरी माय आईज आर कॉन्स्टेंटली देयर यू नो टू लुक एट पीपल हु आर कमिंग सॉरी सर सर यहाँ दुखी काम कान को विदाउट अ बाइक चलो Excited. And I hope it is going to be the best. Yes. The idea behind it is extraordinary. And 2021 ka calendar hai, it's a fresh start. So how was the 2020? 2020 is good. Ma'am. Yes. So how you look forward for this event? So I've been a part of Parimal Modeling Academy and I'm really excited to see the new calendar launch because ye kuch naya dynamic you know ideas ye lekar aaya jo ki we all are excited to see so yeah we're looking forward. Aapke like bridal look kaun sa part play karta hai? I think bridal is something which plays an important role in girls' life. So, you know, jo ye theme hai itself plays a very important role because ye sabka ek dream hota hai to be a bride someday. So, yeah, I am sure that Parimal and all the team, unhone kuch achha hi theme, you know, organized kiya hai and yeah, we're looking forward. Aap kahan pe shoot kiya hai? Location, kaun se location pe aapne shoot kiya hai? हमने बहुत सारे लोकेशन कोई लोकेशन छोड़ी नहीं है मुंबई की और मैम व्हिच वाज योर फेवरेट लोकेशन फेवरेट वो तो सर बता सकते हैं सो सरप्राइजिंगली जुईज वी हैड लॉट्स ऑफ लोकेशंस लाइक द जयपुर एंड सेल्स एट द रोम द इटली वंस एंड वी हैव ऑल लोकेशंस अनवीलिंग अपस्टेयर्स नाउ सून यू गेट टू सी दैट या इट्स अ सरप्राइज सर के साथ काम करके आपको कैसा लगा सॉरी आई थिंक जुईज वर्किंग विद अस फॉर लास्ट 1 ईयर मोर देन 1 ईयर And it's been always a delight to have Jui always with us for working also. And she's a great model. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Actually, true. I'm here for Gagan and I'm really excited to see all his designs and everything. So I'm really excited. What's your, you know, what normally you look into when you talk about the calendar? I'm sorry. Yeah. No. Sir, rukna hai. Sorry. Hi, Parimal. Log to sawal hi karenge na. What you look into, you know, when anybody talk about calendar? When anybody talks about calendar, it's all about exclusivity, how exclusive you are. Because that's what shows on the calendar. So, yeah, it would be exclusivity. Yeah, yeah, it's totally exclusive because this calendar is unbridled. Yeah. It's totally different. Yeah. Have you taken some references while working on the calendar? We was not taking any reference, but we was doing a lot of homeworks. We are using our own creativity to make a new things, new concept, new styling.
with a new jewelry concept. Yes, I believe references ka zamana bahut purana hai. If you want to really be creative or if you really want to get something new on the table, you have to think loud and get it. And I think today's calendar will reveal our creativity. And hopefully, Blank Canvas as a company between me and Rohit, we always want to show that we have a good creative input. We do not need references anymore. Thank you. Okay, what happened on professional front? On my professional front, well, my movie is releasing. It's called Toba Tera Jalwa. It's a woman-centric film along with Amisha Patel. So we are the leading actors and we are playing the role of con artist. Playing the role of? Con artist. I'm going to con everyone. Yeah. Thank you so much. Thank you. Ketki, please. We did last time, right? Yeah. Yes, very briefly though, just as we exit. So ma'am, kitne excited ho ye kaam. We are very happy to collaborate with obviously Pariman and the Black Canvas team. And I think Priyank has done a great job. I just saw the rushes in upstairs. And we've done really good justice with the GFX 100 camera. Because it is one of the state-of-the-art cameras just now in the industry. So I'm very happy to collaborate with Pariman on behalf of Fujifilm. And I wish them all the best. And ma'am, it's a concept of bridal. So how bridal is important in your own personal life? In my personal life? Yeah, in your own. Oh yeah, of course, it's for everyone, it's a personal choice, of course, you know, when it comes to weddings and you know family occasions, so this plays a very important part, and obviously to look good, we're in this industry, so yeah, it is definitely an important thing. So ma'am, how do you define fashion in your own personal life? So actually we are part of the industry, like we actually shoot movies and you know commercials where we want everyone to look good, so of course bridal is also one of the you know concepts that we deal with all the time. And it is very good that we are getting a chance and opportunity to do this besides the full frame, like you know, the cameras that we are into. So this is a completely different segment, but we're happy that you know we got a chance to work with Pariman on this kind of an idea. I'm very glad to get Fuji on board. The first time it's an eye opener for me to have such beautiful cameras who can shoot not only photography but also the videography, and the entire calendar is basically done on only Fuji and Fuji cameras. So that's the best thing. We're getting a revolution, I show, not only with the bride's calendar, but we're also getting a revolution by shooting it on Fuji and giving the competition brands a good competition also, that yes, here we are to get the best technology here. Thanks for having us. Thanks, Kate. One picture. पहले फोटो ले रहे हैं निकाल दीजिए, वो भी ज्वेलरी वाला होना चाहिए था। परिमल आ रहे हैं ना फ्रेम में, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा होकर नहीं दिखाएंगे। आइए सर, मैं पिछले 15 डेज से बहुत वेट कर रहा हूँ, एवरी डे कॉल करके पूछता था कभी लॉन्च हो रहा है, और मेरे जो शाइन शिल्पी के लिए ये फर्स्ट टाइम जो एसोसिएशन हुआ है ग्लैमोन जो 2021 बन रहा है, तो मुझे लगता है कि जो इसके लिए हमने ज्वेलरी और क्रिएशन जो बनाया है वो एकदम अलग ही लेवल का है, और जब आप इसको लॉन्च पर देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इसमें नया दिखेगा। यस, आप इनके कैलेंडर में सारे ज्वेलरी देखेंगे, और बिल्कुल सारे ज्वेलरीज आपको जो भी दिखेंगे इस कैलेंडर में, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम शाइन शिल्पी ज्वेलर्स। सो बात है सर, हर साल जो होते हैं ज्वेलरी में नया नया कलेक्शन लेके आना कितना डिफिकल्ट होता है? नहीं, पर इसके लिए हमने काफ़ी डिज़ाइनर्स वगैरह हमने साथ में एसोसिएट किए हुए हैं, तो हमें हर 3 महीने में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट नए लॉन्च करने ही पड़ते हैं, जिससे कस्टमर को कुछ नयापन नहीं होगा तो ज्वेलरी में बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो हमें हमेशा हर एवरी 3 मंथ्स में नए कलेक्शन लॉन्च करने होते हैं। 2021 की नया कलेक्शन, कोई कुछ यूनिक कलेक्शन है जो हम देख सकते हैं या अपने आइडियाज़ बनाए हो? मैन जो है अभी आगे पूरा जो मैरिज सीजन है उसके लिए हमने पूरा ब्राइडल कलेक्शन बनाया है, उसमें अलग अलग टाइप्स के येलो ज्वेलरी, फिर एंटिक ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, सभी टाइप में हमने जो नए प्रोडक्ट निकाले हैं वो सब बेहतरीन है और देखने जैसे हैं। सर, आपका
ब्राइडल का आइडिया, आई एम अ वेरी इंडियन सेंट्रिक पर्सन आई थिंक, सो माई ओरिजिन बींग इंडिया एंड मुंबई, हमेशा मुझे ट्रेडिशनल से बहुत प्यार रहा है. सो हमने जस्ट इस साल का कैलेंडर जो हमने लॉन्च करना था, वी थॉट ऑफ के वाई नॉट गिव द रेवोल्यूशन टू ब्राइड्स. हमारे इंडिया में ब्राइड्स की एक बहुत एक अहमियत होती है और ब्राइड्स भी बहुत तरीके होंगे, वी हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस बिहाइंड दैट. सो द एंटायर कैलेंडर इज टॉकिंग अबाउट इट. आई कुड नॉट फाइंड अ बेटर पार्टनर देन शाइन शिल्पी टू मेक श्योर दैट द एंटायर मूड ऑफ द कैलेंडर वॉज सेट बाई देम. And it was really very, very nice. Sir, मुझे ये पूछना है आप लोग से कि जो bridal look है, उसमें jewelry कितना important है? आज इंडियन कल्चर में जो ज्वेलरी का इम्पोर्टेंस है, अगर शादी अगर किसी का भी फिक्स होता है तो उसका फैमिली सबसे पहले ज्वेलरी ही देखने जाता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही ज्वेलरी होता है, फिर उसके बाद क्लॉथ और दूसरी चीज़ें होती है. सोलह श्रृंगार कहते हैं जिसे इंडियन कल्चर. तो ज्वेलरी इंडियन कल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो कंपलसरी है कि हर शादी में पहनना ही है. सबकी लाइफ के लिए ब्राइडल लुक इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? ऐसा है, अभी से सोचा होगा शादी का लुक क्या होने वाला है. हमें देखना पसंद है, इनको पहनना पसंद है, इसलिए मार्केट चल रहा है. एकदम राइट, करेक्ट ना? हम नहीं पहनेंगे तो कैसे बिजनेस होगा? थैंक यू प्रिया. सर पहले तो आप अपने क्लिक किए फोटोज जो है वो देखने वाले हो, फाइनली कैलेंडर लॉन्च हो रहा है, कितना एक्साइटमेंट है और ये बताइए. बहुत एक्साइटमेंट. मैं पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा परिमल जी को, ब्लैंक फ्रेम्स को, ब्लैंक कैनवास को, हमारे फ्रेंड गगन को, डिज़ाइनर जिन्होंने इनसे इंट्रोड्यूस करवाया. सॉरी अगेन आई रिपीट. ड्रेसिंग की बात करें वो तो अलग जगह पे, पर जो कैमरा कमाल करते हैं वो अलग जगह पे. तो आपको क्या मतलब कितने डिफिकल्ट आए इसके साथ खेलने के लिए? डिफ़िकल्टी तो मुझे हमेशा मज़ा आती है. हमारे पास फ्यूजी फिल्म वॉज स्पॉन्सर विद अस, सो आई हैड अपॉर्चुनिटी शूट विद अ वंडरफुल कैमरा. द कैमरा इज़ रियली नाइस एंड द लोकेशन सपोर्ट ऑफ होल टीम वॉज वेरी नाइस, सो इट वॉज नॉट दैट मच डिफिकल्टी. सो स्मूथ शूट वेंट रियली स्मूथ एंड नाइस. दैट वॉज सम टाइम रिस्ट्रिक्शन बट वी पुल इट आउट वेल. इसमें फ्यूजी फिल्म लोग स्पॉन्सर थे, सो GFX 100 उनका नया कैमरा है, तो वो उन्होंने हमको एज अ स्पॉन्सर हमको यूज़ करने के लिए दिया था. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रियंका इज़ के इतना लंबा शूट, इतना बड़ा शूट टू पुल आउट ऑन वन डे, एक दिन में, आई थिंक इट इज़ ओनली प्रियंका वुड डू इट. उसको हर फ्रेम में बोलना पड़ता था जल्दी करो, बट ही नेवर गेव अप ऑन द क्वालिटी. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ हिम, ही वाज इन लव विद द कैमरा ऑफ फूजी व्हिच इज GFX 100. ब्यूटीफुल कैमरा. Thank you so much, sir. Thank you.